नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक के जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके कॉपी और पेन ले लें, ताकि आप भी इन क्वेश्चंस को साथ में सॉल्व करने की कोशिश करें और देखें कि आपकी इन चार चैप्टर्स की कितनी तैयारी है। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। तो चैप्टर 1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें पूछा गया है कि किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। कोई भी दो जो अभाज्य संख्याएं हैं उनका एचसीएफ क्या होगा। प्यारे बच्चों, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, दो अभाज्य संख्याएं ले लेते हैं। एक तो ले ली हमने 3 और दूसरी ले ली हमने 5। तो हमने ये दो अभाज्य संख्याएं ले ली। अभाज्य संख्याओं के सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं, एक तो एक और एक खुद, यानी कि इसके जो गुणनखंड है वो एक है या फिर 3 है। ठीक इसी तरह से इसके जो गुणनखंड है वो एक है या फिर 5 है। अब यहां पे जो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मीनिंग है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, तो 1 इनमें कॉमन फैक्टर है। और जितने भी कॉमन फैक्टर होते हैं उनमें जो सबसे बड़ा होता है वो हमारा HCF होता है। अब इसमें तो एक ही फैक्टर है, तो यही हमारा HCF है। तो इसका जो HCF है वो आ जाएगा 1। यानी कि किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं जिनके एक और खुद के अलावा कोई और फैक्टर ना हो। तो एक के अलावा और कोई फैक्टर कॉमन आ नहीं सकता। अगर कोई और फैक्टर कॉमन नहीं आ सकता तो इनका एचसीएफ भी एक ही होगा। तो यहां से आप इसको इस तरह से ध्यान रखते हैं कि कोई सी भी दो अभाज्य संख्याएं हैं उनका जो एचसीएफ होगा, कोई भी दो अभाज्य संख्याएं हैं उनका एचसीएफ होगा हमेशा 1। और अगर इनके एलसीएम की बात करें, इनका जो एलसीएम इन दोनों की गुणा के बराबर होगा, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। मान लो हमें 3 और 5 का एलसीएम निकालना पड़ जाए, एलसीएम, तो इन दोनों की गुणा कर देंगे क्योंकि इनमें कोई फैक्टर कॉमन तो है ही नहीं 1 के अलावा। तो 3 गुणा में 5 ये आ जाएगा 15। तो किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा और जो एलसीएम होगा वो उन दोनों का गुणनफल होगा। तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहां पे हमसे एचसीएफ पूछा गया था, तो एचसीएफ होगा इसका 1। डी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या छांटिए। तो इसमें से हमें अपरिमेय संख्या छांटनी है। पहला है वर्गमूल 36। वर्गमूल 36 का मान तो 6 होगा और 6 को हम पी बटा क्यू की फॉर्म में लिखे तो 6/1 बन जाएगा, यानी कि ये तो परिमेय संख्या होगी। ठीक इसी तरह से वर्गमूल 121, ये 11 के बराबर होता है, तो 11/1 करेंगे तो ये परिमेय संख्या पी बटा क्यू के रूप में लिखी गई, तो ये भी हमारे पास परिमेय संख्या है। वर्गमूल 9 से हमें 3 मिलेगा तो 3/1 लिख सकते हैं इसको, तो ये भी हमारे पास परिमेय संख्या है। तो वर्गमूल 8, क्योंकि 8 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जैसे 9 3 का वर्ग है, 121 11 का वर्ग है, 36 6 का वर्ग है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। 8 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो यानी कि वर्गमूल 8 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास डी। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास है यदि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 24 और 360 हो तथा इनमें से एक संख्या 72 हो तो दूसरी संख्या होगी। तो यहां पे एचसीएफ बता रखा है, एलसीएम बता रखा है और क्या कर रखा है, एक संख्या बता रखी है, हमें दूसरी संख्या निकालनी है। प्यारे बच्चों, हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या किसके बराबर होते हैं, ये एचसीएफ गुना में एलसीएम, या फिर इसको आप इस तरह से भी कह देते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुना में एलसीएम। अब देखो पहली संख्या हमारे पास, एक संख्या कितनी है 72, दूसरी संख्या हम निकालनी है तो हम उसको x मान लेते हैं, बराबर है एचसीएफ,
HCF हमारे पास 24 है और LCM हमारे पास 360 है, तो x का मान कितना आ जाएगा, ये 72/2 आ जाएगा, 24 गुना में 360/72, 24 एकम 24, 24 दिए 72, 3 एकम 3, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये 0, तो x का मान आ गया 120। तो अब आप देख लें कि इसमें कहीं 120 है क्या किसी ऑप्शन में, 120 पहले ही ऑप्शन में 120 है, तो ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, यहां पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है उनका HCF और गुना में उनका LCM। तो इस तरह से लिखते हैं, क्योंकि एक संख्या दूसरी संख्या की बात हो रही है, तो हमने पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या लिख दिया, इससे हमारा क्वेश्चन को सोल्व करने में थोड़ी सी आसानी हुई। नेक्स्ट, अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट में कहा गया है, तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास है, निम्न में से कौन सी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, निम्न में से कौन सी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। शांत मतलब जैसे अगर हम 1/2 को दशमलव रूप में लिखें तो 0.5 आ जाएगा, और 1/3 को दशमलव रूप में लिखेंगे तो 0.33333 ऐसे चलता रहेगा। तो ये दशमलव प्रसार शांत है और ये अशांत है। तो ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार शांत है या नहीं, कोई भी परिमेय संख्या है P/Q, उसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम क्यू को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। इसके अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात करते हैं, उसमें सारे गुणनखंड 2 आ जाएं या 5 आ जाएं या कुछ 2 आ जाएं और कुछ 5 आएं, 5 आ जाएं, यानी कि दोनों आ जाएं, इनके अलावा कोई और अभाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए, तो उसका दशमलव प्रसार होगा शांत। तो प्यारे बच्चों उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन अगर इनके 2 और 5 के अलावा कोई और अभाज्य गुणनखंड आ गया तो उसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा, अशांत होगा। यहां पे एक बात ध्यान रखनी है कि जब हम किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार चेक कर रहे हैं तो यहां पे ये निम्नतम पदों में व्यक्त हो, यानी कि जो भी एक के अलावा जो भी फैक्टर कॉमन है पहले उसको कैंसिल कर लेना है, एक के अलावा जो भी फैक्टर कॉमन है पहले उससे हमें कैंसिल कर लेना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखते हैं हम इसके हिसाब से कि क्या हो सकता है। यहां पे प्यारे बच्चों हमारे पास पहला ऑप्शन है 63/15। अब देखो अगर हम 15 के अभाज्य गुणनखंड बनाए तो ये 3 × 5 बनेंगे, इस तरह से बनाते हैं ना, 15 2 पे तो होता नहीं, 3 पे हो जाएगा, 3×5 = 15 और 5 × 5, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब यहां तो हम देखें तो इसके हिसाब से तो 3 आ गया, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत तो होना चाहिए। लेकिन पहले आपने यह भी देखना है कि किसी पे कैंसिल तो नहीं, कोई ऐसा फैक्टर तो नहीं है जो दोनों को कैंसिल करता हो। तो देखो 3 पे हो जाएगा, 3×5 = 15 और 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 3, तो ये 21/5 है। तो 21/5 में नीचे तो सिर्फ 5 ही है, अभाज्य गुणनखंड 5 है, तो अगर नीचे 5 आ जाए, सारे 5 हो बेशक, या सारे 2 हो, या कुछ 5 हो या कुछ 2 हो, तो कैसा होता है, शांत होता है। तो यहां 5 आने की वजह से ये कैसा होगा, शांत होगा। तो शांति पूछा था, यानी कि यहां पे हमारे पास पहला ही ऑप्शन ठीक है। बी ऑप्शन की बात करें तो 343 है नीचे, 343 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे तो ये 2 पे कैंसिल नहीं होता, 2 पे भाग नहीं होता, 3 और 4 = 7 और 3 = 10, 3 पे भी नहीं होगा, 4 पे हमें चेक नहीं करना है, 5 पे भी नहीं होगा क्योंकि 0 या 5 होना चाहिए था, 6 पे हमें चेक नहीं करना है, 7 पे 7 × 28 6 × 7 = 63, फिर 7 पे 7, 7 × 7, तो 343 को हम लिख सकते हैं 7 × 7 × 7, ये तो 2 और 5 को छोड़ के बाकी आए हैं, तो ये भी कैसा हो गया, अशांत हो गया, ये शांत नहीं है, ये कैसा है, अशांत।
ठीक इसी तरह से अगर 30 के बनाएंगे तो 30 के बनेंगे 2 गुना में 3 गुना में 5, 2 तिया 6 और 6 पंजे 30, 2 ठीक था 5 ठीक था, लेकिन इस 3 की वजह से क्या हो गया, ये अशांत हो गया। इसी तरह से अगर हम 24 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे, इस तरह से बना लोगे, 24 2 पे किया 12, फिर 2 पे किया 6, फिर 2 पे किया 3 और 3 पे किया 1, तो 24 के अभाज्य गुणनखंड बन गए 2 गुना 2 गुना 2 गुना में 3। इस 2 से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इससे भी और इससे भी, लेकिन ये 3 आ गया, इसकी वजह से ये भी क्या हो गया, अशांत। तो ये भी अशांत, ये भी अशांत और ये भी अशांत। तो दशमलव प्रसार शांत किसका होगा, ए ऑप्शन में जो है हमारे पास। लेकिन ध्यान रखें, देखने से तो यह भी ऐसा लगता है कि 3 गुना 5 है, इस 3 आने की वजह से यह अशांत है, लेकिन पहले निम्नतम पदों में लिख लेना है, पहले कैंसिल कर लेना है जो भी कैंसिल होता है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में आया हमारे पास 11/8 का दशमलव रूप है। तो एक सबसे आसान तरीका तो यह है कि 11/8 का आपको दशमलव रूप ज्ञात करना है, तो सबसे आसान तरीका तो यही है जो कि हम सेकेंड क्लास से करते आ रहे हैं। 11 को आप क्या करोगे, 8 से भाग कर दोगे, 8 एकम 8, 3 बच गया। अब यहां 0 लेंगे तो यहां दशमलव लगा देंगे, 8 तिया 24, 6 बच गए, 0 लगा ली, 8 सत्ते 56, 4 बच गए, 0 लगा ली, 8 पंजे 40। तो ये आ गया हमारे पास 1.375। तो ये है 1.375, ये है 137.5, ये है 1.375 और ये है 1375। तो 1.375 ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसका एक दूसरा तरीका भी होता है, जैसे हमारे पास ये 11/8 है, तो 11/8 इस 8 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुना में 2 गुना में 2, तो जितने 2 हैं उतने 5 लगा लो, 5 5 और 5। तो यहां ऊपर भी इनकी गुना कर लेंगे, क्योंकि 3 बार 2 थे तो 3 बार 5 लगा दिए, तो नीचे गुना किया तो ऊपर भी गुना कर दिए। अब देखो 11 गुना में 5 पंजे 25, 125 हो गया, और यहां पे देखो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 125 की 11 के साथ गुना करेंगे तो 11 पंजे 55, 5 हासिल 5, 11 दूनी 22 और 5 27 का 7 हासिल 2, 11 एकम 11, 11 और 2 13 बटे में ये हमारे पास आ जाएगा 1000। अब 3 जीरो के लिए 3 के बाद दशमलव लगा देंगे, 3 अंकों के बाद 1 2 3, तो 1.375 ऐसे भी कर सकते हैं आप इसको। तो यहाँ से भी हमारे पास यही आंसर आएगा। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हो गए हमारे पास चैप्टर 1 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप। प्यारे विद्यार्थियों, आइए देखते हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि हमने चैप्टर 1 से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे, तो यहाँ पे हम 6 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 6 क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कौन एक बहुपद है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, तो ये बताना है कि इनमें से कौन से विकल्प में एक बहुपद दिया हुआ है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो बहुपद है, बहुपद में जो चर है वो कभी भी बटे में नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो, चर है जो बटे में आ गया, तो इसकी वजह से ये बहुपद नहीं हो सकता है। इसके बाद आगे चलते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ वर्गमूल एक्स जमा 2। बहुपद में जो एक्स की शक्ति है या एक्स की घात है वो कभी भी बटे वाले नहीं होगी। वर्गमूल एक्स का मतलब है एक्स की शक्ति 1/2। वर्गमूल एक्स, इसका मतलब है एक्स की शक्ति 1/2। तो यहाँ पे ये भी संभव नहीं है, क्योंकि जो x की जो घात है, x की शक्ति है जो, वो क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। वो जो घात है वो क्या होगी, वो पूर्ण संख्या होगी, वो 0 1 2 3 4 5 इस तरह से चलेगी। तो यहां पे ये भी संभव नहीं है, इसकी वजह से ये संभव नहीं है। और यहां पे फिर देखो, बटे में आ गया, ये x की जो टर्म है, एक्स के जो पद है वो बटे में आ गए, तो ये भी संभव नहीं है। और यहाँ पे देखो, बिल्कुल सही है, एक्स की शक्ति 3 जमा 1, तो ये हमारे पास एक बहुपद है। फर्स्ट किसके किसके वजह से नहीं हुआ, क्योंकि जो ये चर है एक्स, ये बटे में आ गया। यहाँ पे एक्स की जो घात है वो बटे वाली होगी 1/2। यहाँ पे एक्स जो चर है वो बटे में आ गया,
ये ठीक है, तो ये हमारे पास एक बहुपद है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक बहुपद है, कौन सा रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद मतलब जिसकी सबसे बड़ी घात या शक्ति एक हो, उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। अब यहां पे देखो, जो घात है वो दो है तो ये नहीं हो सकता, इसको बोलते हैं द्विघात। सबसे बड़ी घात अगर दो है तो द्विघात बहुपद, सबसे बड़ी घात अगर तीन है तो त्रिघात बहुपद। यहां पे देखो, सबसे बड़ी घात एक्स की, यहां घात नहीं दी हुई है तो इसका मतलब एक, यानी कि ये हमारे पास रैखिक बहुपद है। यहां पे घात दो है तो ये भी द्विघात बहुपद है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद है, यानी कि सबसे बड़ी घात दो हो। पहले ऑप्शन में है 2x² + 3x - 5, तो बिल्कुल सही है, घात इसकी दो है तो ये ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों, सारे विकल्प एक बार पढ़ ले। यहां पर भी देखो, y की घात शक्ति दो है तो y की जो, ये भी एक द्विघात बहुपद है क्योंकि सबसे बड़ी घात यहां पर भी दो है तो ये भी ठीक है। और यहां पे 2 - x² - √3x, देखो वर्गमूल 3x से अलग है तो ये एक बहुपद है और कैसा है, द्विघात बहुपद, क्योंकि सबसे बड़ी घात यहां पे भी दो है तो ये भी द्विघात बहुपद है। चौथे ऑप्शन में लिखा है कि ये सभी हैं, तो बिल्कुल सही बात है, ये सारे ही हैं। तो एक्चुअल में हमारा जो आंसर होगा, जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, जो सबसे उपयुक्त ऑप्शन होता है वो हम लेते हैं, तो सबसे उपयुक्त ऑप्शन हमारे पास ये है, क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि ये भी और ये भी, ये सभी द्विघात बहुपद है, तो डी हमारा राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन कि यदि पी एक्स बराबर है x² - 3x - 4, यदि पी एक्स बराबर है x² - 3x - 4 हो तो पी दो का मान होगा, यानी कि हमें x की जगह पे दो रखना है। अब देखो, हमारे पास पी एक्स है x² - 3x - 4 और हमें पी दो का मान निकालना है, यानी कि x की जगह पे दो रख रहे हैं, तो ये 2 - 3 × 2 - 4, 2² - 2 = 4 - 3 × 6 - 4। अब देखो, प्लस का 4 और माइनस का 4 ये कट गया तो -6 आ गए, तो -6 आप देख ले कौन से ऑप्शन में है, -14, -10, 6 और -6, तो डी हमारे पास इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यकों का गुणनफल हमें निकालना है इसमें। अब देखो, हमारे पास द्विघात बहुपद है x² - 2x - 8, अगर इसको हम कंपेयर करें ax² + bx + c के साथ, तो यहां देखो x² के साथ a है और यहां x² के आगे कुछ नजर नहीं आ रहा है, यानी कि 1x² है, 1x² है, तो a का मान 1 हो गया। b x के साथ, यहां पे x के साथ -2 है और c जो एचर है वो है हमारे पास -8। अब हमें क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल वो होता है c/a, c का मान है -8 और a का मान है 1, तो -8/1, तो ये -8 हो गया। अब आप इसमें देख ले कि -8 कहीं है, -2, 2 - 8, तो ये हमारे पास c इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें कहा गया है कि द्विघात बहुपद 2x² - 3x + 4 के शून्यकों का योगफल होगा, अब की बार योगफल निकाल लें, तो ठीक इसी तरह से इसको अगर ax² + bx + c के साथ कंपेयर करें तो a का मान हमारे पास आ जाएगा 2, b का मान आ जाएगा हमारे पास -3 और c का मान आ जाएगा 4। अब हमें निकालना है शून्यकों का योगफल, वो होता है -b/a। अब देखो, माइनस तो पहले ही है और b का मान -3 है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे, a का मान 2 है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 3/2 आ गया। तो आप देखें 3/2, पहले ही ऑप्शन में 3/2 है, -3/2, 2/3 - 2/3, तो 3/2 हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, इसमें कहा गया है कि x square minus 2x
-3 के गुणनखंडन होंगे या गुणनखंड होंगे, तो ये दे रखा है। प्यारे बच्चों एक तरीका तो है, आप इनकी गुणा करके देख लें किस में ये बनता है। ये थोड़ा बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, मान लो आपका लास्ट वाला आंसर आ जाए तो आपको वो सबकी गुणा करके देखनी पड़ेगी। एक फिर हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, आसान सा तरीका है बिल्कुल। देखो जोड़ कितना होना चाहिए, जोड़ हमारे पास x के साथ जो लगा हुआ है कितना लगा हुआ है -2, और गुणा कितनी होनी चाहिए, एक तो ये एचर -3 गुणा में एक्स स्केयर के साथ, एक्स स्केयर के आगे कुछ नहीं है यानी कि 1x² है, 1x² है यानी कि 1, तो -3। तो हमें ऐसे दो टुकड़े सोचने हैं, दो संख्याएं सोचनी है जिनको जोड़े तो -2 मिले, गुना करें तो -3 मिले। अब देखो 3 की और 1 की गुना करेंगे तो 3 बनेगा, और मैं इसको माइनस का कर दूं तो -3 और 1 को जब जोड़ेंगे तो -2 बनेंगे, और गुना करेंगे तो -3 बनेंगे, क्योंकि -3 की 1 के साथ गुना करेंगे तो -3। अब ये जो यहां पे ये जो टर्म है, ये जो पद है, इसकी जगह पे ये लिखेंगे x लगाकर, तो x² -3x प्लस 1x, 1x को हम x ही लिखते हैं, -3। अब इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन लेंगे, और इसमें से यहां देखो x² -3x है तो x कॉमन आ जाएगा, ये x गुना में x है तो एक x रह गया माइनस, ये 3 गुना में x है तो x बाहर चला गया, 3 रह गया। अब देखो ये तो यही है, इसको ऐसे ही लिख दो। अब देखो x -3 दोनों में है तो x -3 हमने कॉमन ले लिया, यहां से x रह गया, और जब सारा कॉमन चला जाए तो एक बचेगा, एक लिखेंगे। तो ये ढूंढे आप, ये ऐसे भी मिल सकता है ऑप्शन में आपको, या फिर x प्लस 1 आगे लिखा हो और x -3 पीछे लिखा हो, ऐसे भी मिल सकता है। तो x प्लस x माइनस, ये दोनों माइनस के हैं तो ये नहीं है हमारा, एक प्लस का एक माइनस का है। हाँ x प्लस 1 और x -3, तो बिल्कुल सही मैच हो गया हमारे पास। ये यहाँ पे दोनों प्लस के हो गए, x माइनस का होगा हमारा, x प्लस का x प्लस 1 है, ये x माइनस 1 हो गया, तो ये भी नहीं है, यानी कि बी हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चों ये हुए चैप्टर 2 दूसरा अध्याय जिसका नाम है बहुपद, उसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप को ले। तो आइए देखते हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। हमने अपने पिछले वीडियो में 12 क्वेश्चन किए थे, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट किया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, यदि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के ग्राफ में L और M रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो रैखिक युग्म के समीकरण युग्म के यानी कि रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल होते हैं, अद्वितीय हल होता है, कोई हल नहीं होता है, या फिर दो हल होते हैं। तो यहां पे बात की जा रही है कि अगर हमारे पास दो रैखिक समीकरण है और उनका ग्राफ बनाया, तो प्यारे बच्चों जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास तीन तरह से ग्राफ बनते हैं। या तो जो दोनों रैखिक समीकरण है जिनका ग्राफ बना हुआ है वो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, या फिर दोनों आपस में समांतर हों, या फिर दोनों संपाती हों। समांतर है ये वाला केस, और संपाती में क्या है, एक रेखा हमें मिली और दूसरी भी इसी के ऊपर हमें मिल जाती है। अब यहाँ पे देखो इन दोनों रेखाओं ने एक जगह पे काटे हैं, तो ये कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो एक हल होता है, यहां पे ये रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हमारे पास एक हल होता है जिसको हम अद्वितीय हल भी बोलते हैं, अद्वितीय हल या फिर एक हल बोलते हैं। ये जो रेखाएं हैं वो कैसी हैं, समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं ये आपस में कहीं पे भी काटती नहीं है, तो इस वजह से कोई हल नहीं है, तो इस केस में हमारे पास कोई हल नहीं है, तो इस केस में कोई हल नहीं है। और यहां एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है तो ये है हमारे पास संपाती रेखाएं। अब संपाती रेखाएं में हर एक जगह पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को मिल रही है, तो यहां पे हमारे पास कैसे होते हैं, अनेक हल होते हैं। अब प्यारे बच्चों आपके पास किसी भी प्रकार जो ग्राफ है आपका, जो ग्राफ बनाया गया वो किसी भी प्रकार का ग्राफ हो, इसकी सहायता से आप आंसर दे सकते हैं।
अब ये रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेद करती हैं एक दूसरे को, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, और प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हमारे पास क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ पे अद्वितीय हल हमारे पास बी ऑप्शन में है, तो बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। इससे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन आप इनकी सहायता से, तीन ही परिस्थितियां हो सकती हैं, या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, दोनों समांतर हो, या फिर समपाती हो। तो इन तीनों स्थितियों के हिसाब से कई तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सभी तरह के क्वेश्चन आप हल कर सकते हो अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि राम की आयु श्याम की आयु से 8 वर्ष अधिक है। किसकी आयु अधिक है, राम की, किससे, श्याम की आयु से 8 वर्ष अधिक है। दोनों की आयु का योगफल 28 वर्ष है, तो राम की आयु होगी, तो हमें राम की आयु बतानी है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन को आप जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनकी सहायता से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब देखो, एक तो है राम की आयु और एक है श्याम की आयु। एक तो है राम की आयु और एक है श्याम की आयु, और इनका योग, अब दोनों की आयु का योगफल 28 है, ये बात आप ध्यान रखोगे। और क्या है, राम की आयु श्याम की आयु से 8 वर्ष अधिक है। आपको यह ध्यान रखना है कि राम की जो आयु है वो श्याम की आयु से 8 वर्ष अधिक है। और यहां पे पूछा गया है कि राम की आयु बताओ। अब देखो, राम की आयु अगर 18 वर्ष हुई, राम की आयु अगर 18 वर्ष हुई और राम की आयु श्याम से 8 वर्ष अधिक है, तो श्याम की आयु 10 वर्ष होगी, क्योंकि राम उससे 8 साल बड़ा है। अब दोनों को जोड़े तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अब देखो, यही तो कहा था कि दोनों की आयु का योगफल कितना है, 28 है, तो बिल्कुल सही बात बन गई। तो ठीक है, यानी कि राम की जो आयु है वो 18 वर्ष है। अगर शाम की निकालनी होती, शाम की निकालनी होती तो वो 10 वर्ष होती। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन में कहा है 10 वर्ष, क्योंकि राम की आयु पूछी है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन में राम की आयु है। अगर राम की आयु 10 वर्ष हुई तो शाम तो उससे 8 साल छोटा है, तो शाम की आयु तो 2 साल ही होगी, और 10 और 2 कितने हो जाएंगे, 12, लेकिन उनकी आयु का योग तो 28 है, यानी कि ये गलत है, ये नहीं हो सकता। अगर ये 8 वर्ष हुई तो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, ये तो 0 वर्ष का हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि वो 8 साल बड़ा है इससे, तो इनका योग तो 8 आ जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे हमारे पास राम की आयु 16 वर्ष हुई तो श्याम की आयु 8 साल छोटा है इससे, तो ये 8 साल का होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों की आयु का जो योग है वो कितना है, 28 है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से हल कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि ए इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें अगर, समीकरण युग्म 5x जमा 2y बराबर है 16 और 7x माइनस 4y बराबर 2 के डैश हल होंगे, अनेक हल, कोई हल नहीं, अद्वितीय हल, दो हल। अब प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको जो दो रैखिक समीकरण है हमारे पास, या रैखिक समीकरण युग्म है, जिसको हम आमतौर पे क्या लिखते हैं, a1x जमा b1y जमा c1 बराबर है 0। ये जो c1 है, या तो ये इधर है तो दोनों के दोनों एचर राशियां दोनों इधर होनी चाहिए, या फिर दोनों उधर होनी चाहिए। दूसरा हमारे पास क्या होता है, दूसरा इसी तरह से एक और मानक समीकरण ले लेते हैं, a2x b2y जमा c2 बराबर है 0। तो इनके अनुपात निकालते हैं, गुणांकों के अनुपात निकालते हैं। एक तो हमारे पास होता है कि a1 बटे में a2 बराबर नहीं है b1 बटे में b2। तो इस केस में तो हमारे पास कैसा हल होता है, अद्वितीय हल। अगर a1 बटे में a2 बराबर हो जाए b1 बटे में b2 के, और c1 बटे c2 के में भी बराबर हो जाए, तो होते हैं अनेक हल, तो होते हैं हमारे पास अनेक हल। लेकिन अगर a1 बटे में a2 बराबर है b1 बटे में b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे में c2 के, तो यहां पे हमारे पास कोई हल नहीं है, नहीं है। जैसे आपको
जो रैखिक समीकरण युग्म है इसका ग्राफ कैसे कैसे बन सकते हैं, तीन स्थितियां हो सकती हैं, तो वहां से हमें हल का पता चलता है। तो इसी तरह से अनुपातों के हिसाब से भी हमारे पास तीन स्थितियां बन सकती हैं, तो इन तीन स्थितियों के हिसाब से हमें हल का पता चलेगा। अब ये आपको अगर क्लियर है तो किसी भी तरह का क्वेश्चन ना जाए, आप उसको हल कर देंगे। अब हमारे पास जो रैखिक समीकरण है, एक तो है हमारे पास 5x जमा 2y बराबर है 16, और एक है 7x माइनस 4y बराबर है 2। अब आप देखो आपको करना क्या है, आपको बताना है कि किस तरह का हल है, तो ज्यादा समय खराब नहीं करना है। पहले के बटे में पहला 5/7 यानी कि a1 बटे में a2 मिलेगा हमें, कितना मिल गया 5/7। इसी तरह से b1 बटे में b2 2/ माइनस 4, यहां पे 2 ऊपर और नीचे माइनस 4, कैंसिल करेंगे तो 2 × 2 = 4, तो -1/2। देखो ये दोनों आपस में बराबर नहीं आए, हम लिख सकते हैं कि a1 बटे में a2 बराबर नहीं है b1 बटे में b2, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, अद्वितीय हल। तो कैसा हल हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा। यहां पे नोट करने वाली बात ये है कि अगर ये बराबर आ जाते तो हम c1 बटे में c2 निकालते, तो हम c1 बटे में c2 निकालते और फिर इनके साथ मैच करते। तो अगर a1 बटे में a2 b1 बटे b2 के बराबर आ जाए और c1 बटे c2 के भी बराबर आ जाए तो अनेक हल, और अगर c1 बटे c2 के बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो यहां पे a1 बटे में a2 बराबर नहीं आया b1 बटे b2 के, तो इसका मतलब हमारे पास कैसा हल हो गया, अद्वितीय हल हो गया, अद्वितीय हल इसका आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों जब हम यहां से देखो हमारे पास a1 की वैल्यू कितनी आ रही है, a1 की वैल्यू है 5 और a2 की वैल्यू हमने 7 ली है, b1 की वैल्यू ली है 2 और b2 की वैल्यू हमने ली है -4। अब देखो c1 और c2 की वैल्यू, या तो ये जो एचर पद है ये दोनों बराबर से इधर हो दोनों, या फिर दोनों उधर हो, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब देखो अगर हम इसको c1 और c2 ऐसे ही मान लेते हैं तो c1 बटे में c2 16/2 कितना आ जाएगा, 2 × 2 = 16, 8/1 यानी कि 8 आ जाएगा। लेकिन अगर हम इनको उधर ले जाते हैं, लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं, तो ये माइनस का 16 हो जाएगा और ये माइनस का 2 आ जाएगा, तो -16/-2, तो यहां पे फिर माइनस कैंसिल होके 8 ही आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है कि या तो बराबर से दोनों के दोनों एचर पद दोनों के दोनों राइट साइड में हो, या फिर दोनों के दोनों लेफ्ट साइड में हो, ऐसा ना हो कि एक तो लेफ्ट साइड में हो और एक राइट साइड में हो। तो ऐसी स्थिति में या तो आपको दोनों को लेफ्ट साइड में कर लेना है या फिर दोनों को राइट साइड में कर लेना है, ताकि हम जो अनुपात है वो ठीक ढंग से निकाल पाए और इन परिस्थिति के हिसाब से उनको हल कर सके। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, इसमें कहा गया है कि समीकरणों x जमा y बराबर है 14 और x माइनस y बराबर है 4 में x और y का मान होगा, तो हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे आसान जो विधि होती है, सुविधाजनक जो विधि होती है, वो विलोपन विधि होती है। तो हम विलोपन विधि से कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, ये प्लस का वाई है और ये माइनस का वाई है, तो ये कैंसिल हो गया। सिंपली हम इनको जोड़ देंगे, एक्स और एक्स कितने हो जाएंगे, 2x 14 और 4 18। यहाँ पे हमने निशान बदलने की भी जरूरत नहीं पड़ी, तो एक्स बराबर है 18/2, 2 × 2 = 18, तो एक्स बराबर है 9/1 यानी कि 9। अब एक्स का मान समीकरण एक में रख दो, एक्स जमा वाई बराबर है 14, तो ये 9 + y = 14, तो वाई बराबर है 14 - 9, तो y का मान आ जाएगा हमारे पास 5। तो x का मान आ गया 9 और y का मान आ गया 5। x बराबर है 9, y बराबर है 4, नहीं, x बराबर है 9, y बराबर है 5, ठीक है बिल्कुल, x बराबर है 5, y बराबर है 9, नहीं, x का मान तो हमारे पास 9 है, उल्टा हो गया ये, और इनमें से कोई नहीं। तो ये प्यारे बच्चों आप इस तरीके से इसका हल निकाल सकते हो, विलोपन विधि या कोई भी विधि जो आपको अच्छी लगती है उस विधि से आप इसका हल निकाल सकते हो। प्रतिस्थापन विधि यूज कर सकते हो, वज्रगुणन विधि यूज कर सकते हो, क्लास जो ग्राफ मेथड है वो तो काफी बड़ा हो जाएगा, तो इन तीनों विधियों में से कोई सी भी विधि यूज कर सकते हो।
अब इस क्वेश्चन को एक आसान तरीके से भी हल किया जा सकता है। आप ये मान रख दें, देखो x की जगह पे 9 रखेंगे और y की जगह पे 4 रखेंगे तो 9 और 4 13 बनेंगे, लेकिन ये तो 14 है तो ये तो गलत हो गया। अब इस पे आ जाओ, x की जगह पे 9 और y की जगह पे 5 रखो, x की जगह पे 9, 9 और 5 14, बिल्कुल सही है। इसमें रखो 9 माइनस 5 बराबर है 4, तो बिल्कुल सही है। ऐसे भी कर सकते हो, बिना इसके भी आप मान रख के भी इसका हल निकाल सकते हो। इस पे चलते हैं, x की जगह पे 5 और y की जगह पे 9, देखो 5 और 9 14, ये तो बात ठीक होगी, लेकिन यहाँ पे 5 माइनस 9 करेंगे, 5 माइनस 9 तो माइनस के 4 आएंगे, ये प्लस का 4 है, तो इस वजह से ये भी गलत हो गया, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं, इसमें हमारे पास दो विकल्प मिट गए हैं, उनको लिख लेते हैं एक बार। सी विकल्प में है हमारे पास 35 और डी विकल्प में है हमारे पास 53। इसमें हमसे कहा गया है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 8 है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 8 है। अंकों को पलटने पर प्राप्त होने वाली संख्या दी गई संख्या से 36 अधिक है, वह संख्या होगी 62। अब देखो भाई, एक तो संख्या की बात हो रही है, संख्या, और एक अंक पलटने से प्राप्त जो नई संख्या है उसके बारे में बात हो रही है। पहले बात, संख्या के अंकों का योग कितना है 8, तो यहां पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे। संख्या के अंकों का योग 8, देखो 6 और 2 8, 2 और 6 8, 3 और 5 8, 5 और 3 8, ये तो बात सब में सही है। आगे क्या है कि अंकों को पलटने पर प्राप्त होने वाली संख्या, जब अंक पलट देते हैं जो नई संख्या बनेगी, दी गई संख्या से 36 अधिक है, जो नई संख्या है वो 36 अधिक है। अब देखो, पहले वाला जो ऑप्शन है उसमें 62 लिखा हुआ है, संख्या 62 है, तो संख्या अगर 62 है तो इसको, इसके अंकों को बदल दे तो नई संख्या 26 बनेगी, नई संख्या तो छोटी होगी, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हमारे पास नहीं हो सकता, क्योंकि नई संख्या तो 36 ज्यादा है, ये तो हमारे पास 26 बनी। अगर हम संख्या 26 लें तो नई संख्या क्या बनी 62, बड़ी तो बन गई। अब ये चेक लो, कर लो कि ये इससे 36 ज्यादा है कि नहीं, तो 62 में से 26 माइनस करके देख लो, तो यहां से 12 में से 6 गए 6, यहां 5 रह जाएंगे, 5 में से 2 3, तो बिल्कुल सही है, यानी कि ये हमारा राइट ऑप्शन है, तो 26 हमारे पास इसका राइट ऑप्शन हो गया, क्योंकि जो नई संख्या है वो इस संख्या से 36 ज्यादा है, तो यानी कि नई संख्या बड़ी है, यहां पे देखो नई संख्या छोटी होगी, तो ये नहीं हो सकता। अगले वाला नहीं, देखो 35 है, नई संख्या कितनी बनेगी 53, तो 53 में से अगर हम 35 माइनस करें, बड़ी तो बनी नई संख्या, लेकिन जब आप माइनस करेंगे 13 में से 5 8, यहां 4 रह जाएंगे, तो जो 18 बड़ी हुई, ये तो हमारे पास 18 बड़ी हुई, लेकिन बड़ी कितनी होनी चाहिए थी 36, तो ये भी नहीं हो सकता। अब इस संख्या अगर 53 है तो नई संख्या कितनी बनी 35 अंक बदलने से, ये तो छोटी होगी, तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकता। तो इस तरह से आप जो क्वेश्चन नंबर 14 है और क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 16 भी आप इनको ऑप्शन से भी हल कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, ये हो गए चैप्टर 3 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। प्यारे विद्यार्थियों, आइए देखते हैं चैप्टर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण, इसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अभी तक हम चैप्टर 3 तक 17 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो यहाँ पे हमने नंबर दिया है 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, यानी कि हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो पहले ऑप्शन में है हमारे पास एक्स माइनस 2 गुना में एक्स जमा 3 जमा 1, बी में है एक्स जमा 1 बटा एक्स बराबर है एक्स स्क्वेयर, एक्स जीरो नहीं है, और 7x बराबर है 2x स्क्वेयर, और तीसरा है हमारे पास एक्स जमा 1 गुना में एक्स जमा 3 बराबर है 0। तो इसमें हमें यह बताना है कि कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास जो मानक द्विघात समीकरण होता है उसको हम लिखते हैं ax square जमा bx जमा c बराबर है 0। इसमें देखो a 0 नहीं होता है,
अगर ए जीरो हो गया तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, ये पद खत्म हो जाएगा, तो बी एक्स जमा सी रह जाएगा। तो यहाँ पे फिर ये रैखिक समीकरण बन जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं रहना रहने का। द्विघात समीकरण वो होता है जिसमें जो चर होता है, यहाँ पे जैसे चर हमारे पास क्या है, एक्स, एक्स चर में द्विघात समीकरण है, तो जो चर है उसकी सबसे बड़ी शक्ति दो होती है, इस वजह से इसको द्विघात समीकरण कहते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर जरूर मिले और शक्ति दो से बड़ी शक्ति ना हो। दूसरी बात, ये टर्म हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है एक्स वाली, और ये टर्म एचर पद है जो, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन एक्स स्क्वायर वाला जो पद है वो जरूर मिलेगा। और दूसरी बात, जो एक्स की घात है वो ज्यादा से ज्यादा दो होगी, दो से ज्यादा नहीं होगी। तो दो घात हो और वो जरूर हो, पद जरूर हो जिसमें दो घात है, तो उसको हम द्विघात समीकरण कहेंगे। अब देखो पहला जो ऑप्शन है उसमें दे रखा है x माइनस दो और x जमा तीन जमा एक बराबर है जीरो, तो ये जीरो के बराबर भी था, तो ये हमारे पास जीरो के बराबर भी है, बराबर है जीरो। तो आप इसमें क्या करेंगे, इसके गुना करें, x के x के साथ x की शक्ति दो हो गया, x की तीन के साथ तीन एक्स हो गया, माइनस दो की एक्स के साथ माइनस दो एक्स हो गया, माइनस दो की तीन के साथ माइनस छ हो गया, और प्लस का एक हो गया, बराबर है जीरो। तो एक्स की शक्ति दो, प्लस के तीन एक्स और माइनस के दो एक्स, तो प्लस का एक्स बच गया, माइनस के छ और प्लस का एक, तो माइनस के पांच बच के, बराबर है जीरो। अब आप देखेंगे कि ये तो हमारे पास ऐसा ही है, द्विघात सबसे बड़ी जो शक्ति है वो दो है, तो बिल्कुल सही है, ये तो हमारे पास द्विघात समीकरण है। दूसरा जो ऑप्शन है इसमें देखते हैं, देखो x जमा एक बटा x बराबर है, x की शक्ति दो है, तो देखो यहाँ पे x बटे में चला गया चर, तो पहले इसको हल करते हैं, तो यहां से इसका एलसीएम लिया तो x आ गया इधर वाले का, x की x के साथ करेंगे तो x की शक्ति दो जमा एक बराबर है x की शक्ति दो या x स्क्वायर। अब हम इसका की आर पार गुणा कर देते हैं, x की x स्क्वायर के साथ करेंगे तो x की शक्ति तीन हो जाएगी एक की, और इसकी करेंगे तो x की शक्ति दो जमा एक। अब देखो सबसे बड़ी शक्ति तीन आ गई, सबसे बड़ी शक्ति तीन आ गई, तो ये द्विघात समीकरण नहीं रहा, ये त्रिघात समीकरण हो गया, तो यानी कि ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। तो यही यहां पे यही पूछा गया था कि कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। ये देखो x की शक्ति एक है, x की शक्ति दो है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बड़ी शक्ति दो है तो ये बिल्कुल सही है। और x जमा एक जमा x जमा तीन, x जमा एक की गुणा करेंगे x जमा तीन के साथ, तो ऐसा ही है कुछ कुछ, तो इसको जब हम हल करेंगे कुछ इस तरह से हमें मिल जाएगा, तो ये भी हमारे पास द्विघात समीकरण है। तो कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, बी जो ऑप्शन है इसमें हमारे पास द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि द्विघात समीकरण 5x² - 30 = 0 के हल होंगे। किसके हल पूछे हैं, 5x² - 30 = 0। ये तो बिल्कुल आसान है, देखो x की टर्म तो नहीं है, एक्स स्क्वायर की टर्म है और जो एचर पद है वो है हमारे पास, तो 5x² - 30 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 30, एक्स स्क्वायर बराबर है 30/5, ये 5 बटे में आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 6 30, तो एक्स स्क्वायर बराबर है 6, एक्स आ जाएगा, देखो यहाँ वर्ग हटाया तो वर्गमूल किया है, तो यहाँ पे प्लस माइनस लगा के वर्गमूल लिख देते हैं, तो प्लस माइनस वर्गमूल 6। आप चेक करें इसमें कहीं है प्लस माइनस वर्गमूल 6, देखो यहाँ पे प्लस माइनस 6 है, यहाँ पे प्लस माइनस वर्गमूल 6 है, तो प्लस माइनस वर्गमूल 6, ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि द्विघात समीकरण x² + x + 1 के मूलों की प्रकृति कैसी है। प्यारे बच्चों, जो हमारे पास द्विघात समीकरण है, जो मानक द्विघात समीकरण है, इसके दो मूल होंगे। अब उसकी प्रकृति कैसी है, उसके लिए हमें पहले क्या निकालते हैं, व्युत्करण निकालते हैं, डी निकालते हैं, व्युत्कर। तो डी हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, b² - 4ac, तो b² - 4ac। अब इसका इसको हल करने के बाद
अगर इसका मान आ जाता है प्लस का, पॉजिटिव, जीरो से बड़ा, अगर डी हमारे पास आए जीरो से बड़ा यानी कि प्लस का आए, पॉजिटिव आए, तो मूल होंगे वास्तविक, वास्तविक और असमान। असमान मतलब अलग अलग, बराबर नहीं होंगे। दूसरा केस, डी जीरो के बराबर आ जाए तो जो मूल होंगे वो होंगे वास्तविक और समान, एक जैसे होंगे, दोनों बराबर होंगे। अगर एक मूल तीन होगा, एक मूल तीन है तो दूसरे का मान भी तीन ही होगा। तीसरा केस हमारे पास, हमने डी हल किया, डी जीरो से छोटा आ गया, जीरो से छोटा यानी कि माइनस का आ गया, नेगेटिव आ गया, तो कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं। तो ये तीन स्थितियां होगी, तो इन तीन स्थिति के हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखनी है। अब यहां पे कहा गया है द्विघात समीकरण है हमारे पास एक्स स्क्वायर जमा एक्स जमा एक बराबर है जीरो। तो इसको मानक द्विघात समीकरण के साथ जब हम कंपेयर करते हैं, इसकी तुलना करते हैं, तो हमारे पास ए का मान कितना आ गया, देखो एक्स स्क्वायर के साथ ए लगा हुआ है, यहां एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं नजर आ रहा है यानी कि ये एक है। एक्स के साथ बी एक्स है तो बी का मान यहां पे एक्स के साथ कुछ नहीं नजर आ रहा है तो ये भी एक है, और सी का मान भी एक है। तो विविधकर हम निकाल लेते हैं, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस चार ए सी, तो डी आ गया एक का स्क्वायर माइनस चार गुना में एक गुना में ए, बी का मान एक है, ए का मान भी और सी का भी, तो डी आ गया एक माइनस चार एकम चार, चार एकम चार चार, तो डी का मान आ गया भी माइनस तीन, ये तो जीरो से छोटा आ गया, माइनस का आ गया। तो अगर माइनस का आ जाए तो कैसा होता है, कोई वास्तविक मूल नहीं। तो इसका आंसर क्या आ गया कि कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो पहले में है वास्तविक और असमान कब होते हैं, जब डी प्लस का आता है। वास्तविक और समान कब होते हैं, जब डी जीरो के बराबर आता है। कोई वास्तविक मूल नहीं कब होते हैं, जब डी माइनस का आता है। तो डी हमारा माइनस का ही है यानी कि यहाँ पे कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। प्यारे बच्चों इसको आपने ध्यान रखना है, इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब 21 क्वेश्चन में कहा है कि डी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर जमा चार एक्स जमा एक बराबर है जीरो के मूल बराबर होंगे। यहां पे पूछा है कि के का क्या मान ले के जो ये द्विघात समीकरण है इसके दोनों मूल बराबर हो। अब देखो दोनों मूल बराबर कब होते हैं, जब डी जीरो के बराबर होता है। तो दोनों मूल बराबर कब होते हैं, जब डी जीरो के बराबर होता है। और डी क्या होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस चार ए सी यानी कि ये जीरो के बराबर होता है। अब यहां से देखो ए का मान कितना आएगा एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा हुआ है के, बी का मान कितना आएगा जो एक्स के साथ लगा हुआ है चार, और एचर पद सी कितना है एक, इसमें रख दो बी है हमारे पास चार, चार का वर्ग माइनस चार गुना में ए का मान के है और सी का मान एक है तो बराबर है जीरो, क्योंकि उसने मूल बराबर की बात की थी। तो डी क्या लेना पड़ेगा, जीरो के बराबर लेना पड़ेगा। ये हमारे पास आ गया 16 माइनस चार के, चार का वर्ग 16 है, चार एकम चार, सॉरी चार की के साथ करेंगे तो चार के, और चार के की एक के साथ करेंगे तो चार के ही आ जाएगा, बराबर है जीरो। माइनस चार के बराबर है माइनस 16, तो यहां से माइनस हटा देते हैं दोनों साइड से, तो के का मान आ जाएगा हमारे पास 16 और ये चार इसके बटे में आ जाएगा, 16 बटे में चार, चार एकम चार, चार चौके 16, तो के का मान आ जाएगा हमारे पास चार। तो आप देख ले इसमें कहीं चार है क्या, हाँ पहले ही ऑप्शन में हमारे पास चार है, तो ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन इसके बन सकते हैं, तो आपको ये जो कंडीशन है ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है द्विघात समीकरण के मूल होंगे, 22वां क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें कहा गया है कि द्विघात समीकरण के हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो प्यारे बच्चों मूल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो तरीका यह है कि x का मान पहले ये रखो इसमें, द्विघात समीकरण 2x² जमा 7x जमा 6 बराबर है जीरो, बराबर है जीरो के मूल होंगे। क्या है हमारे पास 2x² जमा 7x जमा 6 बराबर है जीरो के मूल होंगे। तो इसके मूल हमें ज्ञात करने हैं। एक तो तरीका यह है
कि एक बार x की जगह पे माइनस दो रख के देखो और फिर तीन रख के देखो, जिसमें ये बात संतुष्ट करे, जिसमें ये समीकरण संतुष्ट करे वो आंसर होगा। लेकिन ये बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। मान लो ये वाला आंसर हुआ तो सारे आपको चेक करने पड़ेंगे और राष्ट्र में भी आपको पता नहीं चल रहा है कुछ, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर ये सिंपल है, बटे में टर्म ना होती तो फिर तो आप फटाफट कर लेते, लेकिन यहाँ पे कुछ जो टर्म है, जो कुछ मूल है, वो बटे में भी नजर आ रहे हैं, तो इस वजह से हम इसको प्लेन कर लेते हैं। अब यहां से देखो इसका जोड़ कितना होना चाहिए, जोड़ सात, और गुना कितनी होनी चाहिए, इसकी और इसकी गुना कर लो, छह गुना में दो, बारह। तो ऐसी दो संख्याएं सोचिए जिनको जोड़े तो सात बने और गुना करें तो बारह बने। तो चार और तीन, इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास सात बनेगा, गुना करेंगे तो बारह बनेगा। तो यहां पे इसकी जगह पे लिख दो x लगा के, तो दो एक्स स्क्वायर जमा चार एक्स जमा तीन एक्स जमा छह बराबर है जीरो। इसमें से कुछ कॉमन आता है तो ले लेंगे, ठीक इसी तरह से यहां से कुछ कॉमन आता है तो ले लेंगे। दो चार, दो के पहाड़े में आता है तो दो कॉमन आ गया, यहां एक्स स्क्वायर है, यहां एक्स है, तो एक एक्स भी कॉमन आ गया, तो यहां पे एक्स बच गया, दो दूनी चार और एक्स बाहर चला गया। तीन और छह, तीन के पहाड़े में आ जाएंगे तो तीन बाहर ले लिया, यहां एक्स बच गया, तीन दूनी छह, ये हमेशा एक जैसे बनेंगे। अब ये हमने कॉमन ले लिया एक्स जमा दो, और ये रह गया दो एक्स, यहां पर दो एक्स रह गया और यहां पर तीन रह गया। तो अब इनको x जमा दो को जीरो के बराबर रख लो और दो एक्स जमा तीन को जीरो के बराबर रख लो। तो यहां पे x बराबर है माइनस दो, यहां पे दो एक्स बराबर है माइनस तीन, और x बराबर है माइनस तीन बटे में दो। तो एक तो मूल आ गया माइनस दो और एक माइनस तीन बटा दो। माइनस दो और तीन ये नहीं है, माइनस दो और माइनस तीन बटा दो, तो बी हमारे पास इसका राइट ऑप्शन हो गया। तो ये इस तरह के तरीके से चल सकते हैं। आप चाहे तो बारी बारी से ये मान, दोनों मान इसमें रख देंगे, जोन से ये मान संतुष्ट करेंगे वही हमारा आंसर होगा। अब आप देखो, रख के देखना चाहते हो तो रख के देख सकते हो। माइनस दो रखे अगर इसमें, दो गुना में माइनस दो का वर्ग जमा सात गुना में माइनस दो जमा छह बराबर है जीरो। माइनस दो की माइनस दो के साथ करेंगे तो चार बनेगा, चार दूनी आठ, प्लस का हो जाएगा चार, चार दूनी आठ, यहां से तो आठ मिला। सात की माइनस दो के साथ करेंगे तो माइनस चौदह, और प्लस का छह बराबर है जीरो। तो आठ और छह चौदह, माइनस चौदह बराबर है जीरो, तो जीरो बराबर जीरो, तो बिल्कुल सही आ गया। ठीक इसी तरह से ये मान भी आप रख के इसमें निकाल सकते हो, तो इस तरह से भी आप इसको चेक कर सकते हो। ये लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसमें आपको सीधा ही आपके आंसर आ जाएंगे और ये आपके बड़े क्वेश्चन में भी काम आएगा। तो प्यारे बच्चों, ये हो गए आपके पास चैप्टर फोर के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो आपकी आने वाली परीक्षा, सभी प्रकार की जितनी भी परीक्षाएं होंगी पूरा वर्ष, उन सभी के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ आप और जो क्वेश्चन है, इस तरह के और जो क्वेश्चन है, उनकी जो तैयारी है वो लगातार करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जो मैथ सब्जेक्ट है उसमें आपका जो इंटरेस्ट है उतना ज़्यादा बढ़ेगा और आपके कॉन्सेप्ट भी उतने ही ज़्यादा क्लियर होंगे। थैंक यू वेरी मच।